जमात में एक तालिबा इल्म पढ़ती है जिसका नाम है मीर दादी। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने दादी को भी सपोर्ट करती है, उसके अलावा खेतों में काम करती है, मिर्ची टमाटर वगैरह तोड़ती है, और उसको जो भी वहाँ से मजदूरी वगैरह मिलती है वो अपनी दादी की और अपने फादर की भी सपोर्ट कर रही होती है। मीर दादी जब स्टार्टिंग में आई थी तो वो बहुत खामोश खामोश रहती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, ना ही किसी चीज़ का ज़्यादा जवाब देती थी। कुछ दिनों के बाद उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। उसका तो पहले कोई ख्वाब या कोई मकसद नहीं था, उसकी वही लाइफ थी, घर का काम करना, सफाई करना, खेतों में काम करना। लेकिन जब वो हमारे TCF स्कूल में आई है तो उसका जो ख्वाब है, उसका मकसद है, वो उसे पता चला कि उसे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि उसके गाँव में कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था। जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं उनको देखकर गांव वालों की सोच तब्दील हो रही है, उनकी सोच में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक मीर दादी को ही मैं लेते हुए चलूँ तो मीर दादी के जो गांव के लोग जो मीर दादी को मना कर रहे थे, उसके फादर को भी मना कर रहे थे कि इसको स्कूल ना भेजें, तो उस बच्ची में जो चेंजिंग आई उसको देख कर कि वो पेरेंट्स भी एग्री हो गए कि हाँ, हम भी अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे।